Hello students, hope you are going very well through the topics explained in my last videos. Today I explain you some more doubtful questions of exercise 8.3 unit comparing quantities. Question number 4th, 5th, 8th and 12th. These are got till now doubtful questions. Today I explain question number 4th and 5th. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum. सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स, टाइम भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है. हैड आई बोरो दिस सम एट 6% पर एनम एंड रेट भी दिया हुआ है. पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पहले सिंपल इंटरेस्ट पे है और उन्होंने पूछा है कि मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी बोरो कर सकता हूँ. व्हाट अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो हमें कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड हैव टू पे, कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे विद सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें रुपीज 12,000, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, रेट दिया हुआ है 6% पर एनम. अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है सिंपल इंटरेस्ट. उसका फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, दैट इज 12,000 सिक्स टू बाय 100, 12 आर 144, 0 1440 हो गया. ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट. अब हमें फाइंड करना है विद कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी. पी सेम ही है 12,000. अब फॉर्मूला ही लगा दो बेटर है. अमाउंट का पहले फॉर्मूला लगाओ पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 टू पावर टी, क्योंकि वैल्यूज तो यही रहेंगी. अमाउंट हो जाएगी अब 12,000 इंटू वन प्लस 6 बाय 100 टू पावर 2, दैट इज 12,000 106 बाय 100 टू पावर 2 है. 106 कैसे आया, 100 एलसीएम, 100 प्लस 6 106 इंटू 106 बाय 100, टू टाइम ले लेंगे क्योंकि पावर 2 है. 2 ज़ीरोज ये कैंसिल, 1 ज़ीरो ये कैंसिल. अब 106 को 106 से फिर मल्टीप्लाई करो 12 से, डिवाइडेड बाय 10. अब कैसे एडजस्ट करेंगे, स्प्लिट करके आएगा 106 को 100 से एंड देन 106 को 6 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10600 प्लस 636, दैट इज 11236. इसको करेंगे 12 से, 12 मतलब 10 एंड 2, 11236 को 2 से, इट इज़ 11236 0. 11236 इंटू 2 12 17422. तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इट विल बी 2 7 एंड 6 13, 1 कैरी ओवर, 3 एंड 1 4 4 एंड 4 8, 2 एंड 2 4, 2 एंड 1 3, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 13483.2. ये तो आ गई अमाउंट. हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 13483.2 और प्रिंसिपल था 12,000. माइनस करेंगे इसमें से 12,000 तो इट विल बी 0.2 लास्ट में है. 3 8 4 3 माइनस 2 1, ₹1483.2. एंड दे आस्क व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी. आई हैव टू पे एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट, 1483.20 माइनस 1440, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इट विल बी 43.20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो. 43.20 दिस इज़ द आंसर. Now I explain you question number 5th.
इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, इसको ध्यान से करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिफ्थ के अकॉर्डिंग सिक्स सेवन्थ वगैरह क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, वासुदेवन इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली ही उसने पे करना है। वट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर सिक्स मंथ्स एंड आफ्टर वन ईयर। हाफ ईयर के बाद और सिक्स मंथ्स के बाद उसने कितनी अमाउंट मिलेगी उसको, ये हमें फाइंड करना है। अब इसमें है आपके पास प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू रुपीज 60,000, रेट इज़ इक्वल टू 12% पर एनम है, बट हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 12/2% हाफ ईयरली। अब इसमें हमें टाइम नहीं चेंज करना है एक बार, क्योंकि टाइम ऑलरेडी सिक्स मंथ्स है, या मतलब कि हाफ ईयर ही है, वहाँ पे टाइम हमें वन लेना है। जहाँ पे वन ईयर है वहाँ पे टाइम हमें टू हाफ ईयर्स लेने, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ सिक्स मंथ्स है उसको मल्टीप्लाई बाय टू नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सिक्स मंथ्स मीन हाफ ईयर ही है। तो टाइम क्या है, सिक्स मंथ्स। अब सॉरी, फर्स्ट पार्ट है इसका अमाउंट गेट आफ्टर सिक्स मंथ्स, तो इसमें टाइम हमें क्या एडजस्ट करना है, हेयर टाइम इज इक्वल टू सिक्स मंथ्स और वन हाफ ईयर। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी सिक्स क्वेश्चन है उसमें कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड एनुअली में टू ले लेंगे और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में वन ले लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, इसमें और कुछ नहीं करना। अब है अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है और तो कुछ फाइंड नहीं करना है इसमें। वी हैव टू एडजस्ट हेयर पी इन टू वन प्लस आर बाय 100 टू पावर टी, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यहीं पे माइनस कर देते हैं माइनस पी। नहीं, ये अमाउंट ही फाइंड करनी है तो माइनस पी नहीं करना इसमें से कुछ भी, क्योंकि अब व्हाट अमाउंट वुड ही गेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60,000, वन प्लस आर की वैल्यू है सिक्स परसेंट हाफ ईयरली आया था ना, बाय 100 टू पावर वन, तो हो जाएगा 60,106 बाय 100, पावर वन है तो एक ही रहेगा, तो 100 106 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36,36,00। ये अमाउंट तो है पार्ट वन की, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 36,00। सेकेंड पार्ट इज अमाउंट गेट आफ्टर वन ईयर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हेयर T इज इक्वल टू वन ईयर था, दैट इज टू हाफ ईयर्स। अब यहाँ पे T की वैल्यू हमें टू लेनी है, दैट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू P इन टू वन प्लस आर बाय 100 टू पावर T, दैट इज 60,106 बाय 100 टू पावर टू, 60,106 बाय 100, 106 बाय 100, टू जीरोज़ कैंसल, वन मोर जीरो कैंसल, तो ये बच गया। अब कैंसिल तो ये भी होने को हो सकती है 106 को 6 10 से, यहाँ ये कर सकते हैं 10 जो है ज़ीरो के साथ, ये ज़ीरो भी कैंसल, 106 और 6 इनको मल्टीप्लाई करना आपस में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 636 आ गया। अब इसको 106 से स्प्लिट कर लो, 636 × 6, मतलब 106 को वन टाइम 100 से, फिर 636 को एक बार 6 से, यहाँ फिर आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, वो आंसर भी आ जाएगा, बट ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, इस तरह भी कर सकते हैं अगर आपको क्लियर है। तो ये हो जाएगा 36 × 3 18 × 3 21 2 36 × 2 38, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4167 6 67 416 6 7 416 rupees 67 416 आंसर। अकॉर्डिंग टू इट यू हैव सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस
एंड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट एक्सेप्ट 8th and 12th यू कैन सेंड मी ऑन माई पर्सनल नंबर 9999701 3 1 3. टिल देन थैंक यू.